दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेलवे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस वीडियो में हमें शुरू से अंत तक बने रहिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मैं कुछ वीडियो अपने चैनल पांडे गुरु जी पे अपलोड कर दिया हूँ, उसको आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, जैसे मैथमेटिक्स से नंबर सिस्टम का, बोर्ड मास से बोर्ड मास, डेसिमल फ्रैक्शन और रीजनिंग से एनालॉजिकल सीरीज का। तो मैं उस सारे वीडियो अपने प्लेलिस्ट बना के पांडे गुरु चैनल में जीएस एंड जीके, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ये प्लेलिस्ट पे जाके आप वीडियो को वन बाय वन देखें। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप रीजनिंग के एनालॉजिकल वीडियो को मैं जो प्रोवाइड किया हूँ उसमें कुछ ट्रिक्स बताया हूँ कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ को आपको कैसे याद रखना है, ए टू जेड को आप इजी तरह से इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो इस सीरीज़ को ज़रूर देखें, तब उसके बाद इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा समझ में आएगी। तो आज हम लोग सीखेंगे कि अल्फ़ाबेटिक सीरीज से किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नंबर सीरीज का कल प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस वीडियो में आपको पॉसिबिलिटी, जितने तरह के क्वेश्चन रेलवे एग्जामिनेशन में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से आते हैं, मैं उसको वन टाइप बाय टाइप आपको बताऊंगा कि कितने टाइप के क्वेश्चन, और एक एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, और एक चैनल पांडे गुरु जी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल बटन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि बेल बटन प्रेस करने से वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होता क्या है। तो बेसिकली अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जो होता है वो ए बी सी डी ई एफ, जो इससे रिलेटेड एक सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पुट किया जाएगा। तो उसमें सबसे पहले जो एग्जामिनेशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हर एक टाइप के क्वेश्चन को मैं टाइप दे दिया हूँ। तो जो फर्स्ट टाइप है वो है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर ऑफ वर्ड, मीन्स आपको इसमें करना क्या है कि जिस तरह के अल्फ़ाबेटिकल वर्ड ऑर्डर होता है लेटर का, जैसे ए के बाद बी आता है, सी आता है, डी आता है, ई है आता है, इस बेस पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि उसका ऑर्डर क्या है। जैसे ए का पोजीशन वन है, बी का दो है, सी का थ्री है, डी का फोर है, ई का फाइव है। तो आपको ए टू जेड का पोजीशन याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें आपको मैं अपने वीडियो एनालॉजिकल का जो अपने रीजनिंग सीरीज में प्रोवाइड किया हूँ उसमें ट्रिक्स दिया हूँ कि कैसे आपको कोई भी सीरीज के लेटर को याद कर सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सपोज आपको अचानक याद करना है कि एस का लेटर डिजिट क्या है, तो एस को आपको सबसे पहले मुंह में होना चाहिए कि एस का जो डिजिट है, लेटर डिजिट है, वो 19 नंबर पोजिशन है लेटर सीरीज में। तो इस टाइप का आपको कंठस्थ होना याद रखना बहुत ज़रूरी है, तब आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का कोई भी क्वेश्चन को आप इजीली से सॉल्व कर देंगे। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर लेटर ऑफ वर्ड में आपको ए नहीं पूछा जाएगा डी का लेटर का वर्ड क्या है, आपको इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें कि कोई भी वर्ड दिया हुआ रहेगा उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो आएंगे वो ग्रुप डी में पॉसिबल है, बट असिस्टेंट लोको पायलट में और टेक्नीशियन में आपको क्वेश्चन की जो स्टैंडर्ड होगा वो थोड़ा सी हाई हो जाएगी। तो आप ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, और आपको हर एक ट्रिक्स के साथ आपको बताएंगे कि कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास एक वर्ड है क्लाइंट, सी एल आई ई एन टी, उसके बाद एक वर्ड है सी ए एस टी एल ई, उसके बाद वर्ड है फेस, उसके बाद वर्ड है वाइपर। तो आपको दोस्तों आपको ये वर्ड को आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कभी कोई क्वेश्चन दे दिया कि किस वर्ड और इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होगा, बढ़ते क्रम में, मीन्स बढ़ते क्रम में कोई भी लेटर क्या बढ़ रहा है, ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है। डिसेंडिंग मतलब क्या होगा, घटते क्रम में, मीन्स क्या होगा, सी के बाद बी आएगा, उसके बाद ए आएगा। तो ए अभी यदि इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में से सॉल्व करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या क्या बात को ध्यान में रखना पड़ेगा।
तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको सॉल्व करने के लिए बढ़ते क्रम में सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे सबसे पहले यहाँ पे जो लेटर आएगा वो क्या आएगा, सी, क्योंकि यहाँ पे सी नहीं है तो यहाँ पे सी आएगा। बट यहाँ पे देख रहे हैं कि सी और सी दोनों दो वर्ड है, तो सी के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है उस पर आपको ध्यान देना है। तो सी के बाद एल पहले आता है, ये पहले आता है, तो सी के बाद क्या आता है, ये पहले आता है, तो आएगा सी ए एस टी एल ई कैस्टल, सी एल आई एन टी क्लाइंट, उसके बाद क्या होगा फेस, उसके बाद क्या होगा फेस, उसके बाद क्या होगा वी आई पी ई आर। तो इस टाइप का क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया तो इसी का आप रिवर्स कर दीजिए, वाइपर पहले होगा, फेस उसके बाद होगा, क्लाइंट उसके बाद होगा, कैस्टल उसके बाद होगा। तो बेसिकली टाइप अल्फाबेटिकली ऑर्डर ऑफ टाइप में क्वेश्चन में आपको इसी टाइप का क्वेश्चन आया दिया जाएगा। देखते हैं एक और एग्जांपल। तो यहाँ पे एक मैं एग्जांपल लिया हूँ, वहाँ ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड चूज द वर्ड डेट इज कम एग्जैक्टली इन द मिडिल। मीन्स आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको एक सबसे पहले एक सारे वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मीन्स बढ़ते क्रम में, ए के बाद बी के बाद सी ए सी, इस टाइप का क्रम में आपको अरेंज करना है। उसके बाद में बोल रहा है कि जो भी वर्ड मिडिल में आएगा उसको आपको एंसर टिक मार्क करना है। तो मिडिल मीन्स फाइव वर्ड है, तो 1 2 3 4 5 आएगा, तो ये बीच में जो वर्ड आएगा उसको आपको टिक मार्क करना है। तो उसके फाइंड आउट करने के लिए सारे वर्ड को आपको अरेंज करना पड़ेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो मैं यहाँ पे सब पहले अरेंज करके रखा हूँ। इफ़ यू अरेंज ऑल द फाइव वर्ड इन द फॉर्म विच आर ऑक्यूपाइंग डिक्शनरी, तो अरेंज करने के लिए अरेंजमेंट ए डबल आर, यहाँ पे ए डबल आर ए आ रहा है और यहाँ पे ई आ रहा है, तो ये पहले आएगा और ए डबल आर ई ए मीन्स नेक्स्ट लेटर में जहाँ पे रिपीटेड होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ई और ई दोनों रिपीट हो रहा है, तो उसके बाद जो लेटर आएगा उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो वैसे उसमें क्या बात आ रहा है, उसके बाद आ रहा है ए, तो ये टॉप में रहेगा एस टी, उसके बाद आ रहा है ए डबल एल आर आई वी ए एल, ए डबल आर वो जी ए एन टी। तो आपको इसको बेसिकली आपको कॉपी पेन में, ट्रिक्स ये है कि कॉपी पेन में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने दिमाग में देख के आपको अपने मन में बैठा के इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिडिल में जो आ रहा है वो आ रहा है ए डबल आर ई एस टी, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए डबल आर ई एस टी। तो बेसिकली टाइप वन में इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है, मैं हर एक टाइप को आपको एक एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं टाइप टू। सेकेंड टाइप का जो है वो है लेटर प्रॉब्लम। लेटर प्रॉब्लम में बेसिकली क्वेश्चन आता है कि आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, जैसे मैं एक वर्ड लेते हैं फॉर एग्जांपल कॉरपोरेट, सी ओ आर पी ओ आ पी ओ आर ए टी ई। तो इस टाइप का क्वेश्चन में दिया जाता है कि कोई भी एक लेटर दे दिया जाएगा, उसमें क्वेश्चन दिया जाएगा कि हाउ मैनी सच पेयर ऑफ लेटर आर इन द वर्ड कॉरपोरेट विच हैव एज मैनी लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। मीन्स जो भी वर्ड उसके बीच में वर्ड है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बीच में वही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पी और पी पी क्यू आर, पी के बाद यहाँ पे क्या है पी क्यू क्यू आता है और आर आता है, तो उसके बीच में कितने लेटर है, एक लेटर है, तो यहाँ पे भी कितने लेटर है, एक ही लेटर है। फॉर उसके बाद यहाँ इसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले हर एक लेटर का आपको डिजिट नंबर याद रखना होगा। तो चलिए हम यही क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि इसका आंसर कितना होगा। तो सबसे पहले आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को नंबर सीरीज से अपने कॉपी पे लिख लीजिए। जैसे सी का डिजिट कितना है, 3 है, ओ का कितना है, 15 है, आर का कितना है, 18 है, पी का कितना है, 16 है, ओ का कितना है,
आर का कितना है आर का 18, ए का 1, टी का 20 और ई का 5। तो इससे आपको यहाँ पे क्या होता है कि आपको बार बार काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अब एक आ रहा है, 15 के बाद क्या आता है 16 आता है, तो एक यहाँ पे हो गया, इसको टिक मार्क कीजिए 18। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पी और आर 16, यहाँ पे क्या होता है 17, उसके बाद आर का कितना 18 है, तो 16, 17 और 18 होता है, या तो यहाँ पे कितना एक और बन गया, तो 2 बना। तो तीसरा हम लोग और देखते हैं कि यहाँ पे और 18 और 15, यहाँ पे 16, 15 नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे 18, 19, 20, तो यहाँ पे एक बन रहा है, तो यहाँ पे एक और बन रहा है, तो इसका एक और बना, तो इसका आंसर क्या होगा 3 होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनेशन में आता है, तो आप इस टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और इजीली से सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले आपको हर एक नंबर का, आपको नंबर जितने भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर से नंबर है वो आप रखना बहुत ज़रूरी है। आप उसको ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो पे जाके और एनालॉजी का वीडियो में देखिए कि मैं कैसे उसको बताया हूँ कि कैसे आपको याद रखने का ज़रूरत है। मैं प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया हूँ। तो इस बेस पे मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि हाउ मैनी पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड सिक्वेंशियल विच हैव एज मैनी लेटर बिटवीन देम एज बोथ साइड एज द डे हैव इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिक्वेंशियल को लिखते हैं, एस ई क्यू यू यू ई एन टी आई ए एल। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको सिक्वेंशियल को हम लोग अल्फाबेटिकली न्यूमेरिक से पहले नंबर्ड करते हैं। तो एस का हम लोग, एस का नंबर कितना है, तो एस का नंबर है 19। ई का नंबर कितना है, तो ई का जो नंबर है वो कितना होता है 5। क्यू का नंबर कितना होता है 17। यू का नंबर कितना होता है 21। ई का कितना 5। एन का जो नंबर होता है वो होता है 14। टी का होता है 20। आई का कितना होता है 9। ए का 1 और एल का कितना होता है, एल का होता है 12। तो बेसिकली आपको सबसे पहले जब भी कोई वर्ड दिया हुआ रहेगा उसके बाद आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपको सबसे पहले सिक्वेंशियली इसमें दिया गया है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा नंबर किसके बीच में है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक जो है वो है 17, 18, 19। तो एक यहाँ पे हो गया, तो आपको इससे ऐसे टिक मार्क कर दीजिए। उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि यू और ई एंड यू के बिटवीन में कितना है, 5 है। तो यहाँ पे ई एफ जी एच आई जे ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। तो यहाँ पे एक यहाँ पे यू बन रहा है, एक तो एक यहाँ पे बन रहा है। उसके बाद भी हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कहीं और तो नहीं बन रहा है। तो एक और जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आई और एन के बीच क्या है, आई और एन के बीच आपको 9 और 14 में 5 लेटर है, तो आई जे के एल एम एन। तो एक यहाँ बन रहा है, तो ये 3 हो गया। और कहीं पे फाइंड आउट करने की हम लोग कोशिश करते हैं। दोस्तों एक तीसरा जो बन रहा है वो ई और क्यू के बारे में, तो आपको बेसिकली क्या करना है कि दोनों डिजिट को आपको माइनस करना है। तो 5 और 17 तो क्या हुआ 12, तो आपको चेक करना है कि ई और क्यू के बीच में कितना 12 डिजिट है क्या नहीं। तो ई और क्यू के बीच में ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, तो ये बेसिकली 4 तरह से इसको पॉसिबिलिटी बन रहा है।
तो और हम लोग कहीं पे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि बन रख यहाँ, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसलिए क्वेश्चन एग्जामिनेशन में टाइप टू के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं, एक क्वेश्चन आपको इस टाइप का जरूर मिलने लगेगा। तो आप जितने भी प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को तो आपको इजीली सॉल्व कर देंगे। तो एक इसका आंसर हो जाएगा 4, तो 4 टाइप का कम्बिनेशन हम लोग को फाइंड आउट होगा। तो जितना कोशिश हो सके आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन को, कोई भी लेटर उठाइए और उसको अपने से देखिए कि कितने लेटर उसके बीच में है और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो टाइप टू में क्वेश्चन इस टाइप का आता है, और टाइप थ्री में हम लोग कुछ देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन टाइप थ्री में आता है। तो टाइप थ्री में चलिए देखते हैं कि किस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन होता है और एग्जामिनेशन में अल्फाबेटिकल सीरीज से पूछे जाते हैं। तो टाइप थ्री में जो क्वेश्चन आता है वो आता है अल्फाबेटिकली क्यूबल। अल्फाबेटिकली क्यूबल का क्या होता है कि आपको कोई भी एक सीरीज दिया हुआ रहेगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ए टू जेड लिया हूँ, बट कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको ए से जेड रहेगा, आप ए बी सी डी अल्फा न्यूमरिक कोई भी सीरीज दिया हुआ रहेगा, तो ये टॉपिक आप कोई भी रैंकिंग या सीरीज में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप नंबर सिस्टम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या नंबर सिस्टम का करेंगे, या रैंकिंग का करेंगे, तो ये जितना भी ट्रिक्स बता रहे हैं आप इसको कॉपी में नोट डाउन करें, क्योंकि फ्यूचर में कोई भी एग्जामिनेशन के लिए एक ट्रिक्स बहुत ही उपयोगी होगा आपके लिए। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताऊंगा इसको सबसे पहले आपको कॉपी में रट डाउन नोट डाउन करना है, और नोट डाउन करने के साथ साथ आपको एक एक सारे फॉर्मूले को रट जाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताया किस टाइप का क्वेश्चन अल्फाबेटिकली क्यूबल को सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक्स है, कुछ पॉइंट है जो हम लोग को याद रखना ज़रूरी है, उस पॉइंट को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, तो सबसे पहला पॉइंट है कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सीरीज इज लेफ्ट एंड द एंड ऑफ द पॉइंट ऑफ द सीरीज इज राइट। तो इस क्वेश्चन में आता है कि विच इज द फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, तो आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि लेफ्ट स्टार्ट हम करें किधर से। तो जो कोई भी सीरीज रहेगा उसका जो बायां रहेगा वो लेफ्ट रहेगा, और दूसरा दहना रहेगा और राइट रहेगा। जैसे आप सीरीज को देख रहे हैं, आप अपने कंप्यूटर को देख रहे हैं, तो आपके कंप्यूटर के सामने राइट में ये सीरीज इस पार्ट है और लेफ्ट में ये दहने के ये पार्ट में, वैसे ही यहाँ पे भी सीरीज का जो पैटर्न होता है वो फॉलो किया जाता है। तो दूसरा जो है कि टू सॉल्व द क्वेश्चन इजीली यू शुड ब्रेक द सीरीज इन कम्बिनेशन ऑफ 5 एलिमेंट। यहाँ पे आपको ए बी सी डी का सीरीज दिया हुआ है, बट जब भी अल्फा न्यूमेरिक स्टार हैच तो इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, तो आप कभी सीरीज को नोट डाउन कर रहे हैं कॉपी में तो आप 5-5 का उसको ब्रेक कर दीजिए, ऐसे करके क्या करें ब्रेक कर दीजिए, ऐसे लाइन खींच दीजिए, जैसे 1 2 3 4 5, तो ऐसे एक ब्रेक कर दीजिए, तो इसको अलग अलग डिवाइडेड में आपको इसको 2 3 4 5 ऐसे करके डिवाइड कर दीजिएगा, 1 2 3 4 5। तो इससे क्या होता है कि हम लोग को इजीली फाइंड आउट हो जाता है कि कौन सा पार्ट में हम लोग हैं। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट है जो इसके बाद जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज़ द लेफ्ट फ्रॉम द फिफ्थ फ्रॉम टू द राइट ऑफ द एट फ्रॉम द राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं लेफ्ट राइट में, तो हम लोग काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको एक फार्मूला है जो आपको याद रखना है, जैसे कि लेफ्ट एलिमेंट माइनस लेफ्ट एलिमेंट इजकल टू लेफ्ट एलिमेंट, मीन जब भी क्वेश्चन आपको लेफ्ट और लेफ्ट किया रिपीट किया रहेगा तो आपको उसको क्या करना है माइनस कर देना है। उसके बाद मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि जैसे 13 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड एट एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, मीन्स यहाँ पे दोनों 13 और 8 लेफ्ट रिपीट हो रहा है, तो आपको क्या करना है माइनस कर देना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, 13 में 8 गया तो 5 बचा, और 5 कहाँ से लेना है आपको लेफ्ट साइड से लेना है, तो 5 एलिमेंट लेफ्ट साइड से क्या होगा ये हो गया आंसर। तो दूसरा एक स्टेटमेंट है कि राइट एलिमेंट माइनस राइट एलिमेंट इज इक्वल टू राइट एलिमेंट, मीन 13 एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड 8 एलिमेंट फ्रॉम द राइट इज इक्वल टू 8 में 13 और 8 फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट, तो राइट से फिफ्थ एलिमेंट क्या होगा यहाँ पे भी हो गया। तो आपको काउंट करने का जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग पहले से इसको डिवाइड कर दिए हैं,
तो उसका आंसर वी हो गया। मैं आपको क्वेश्चन में दिखा के बताऊंगा कि इस टाइप का क्वेश्चन किस टाइप का आता है, वहाँ पे फॉर्मूले को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप ये बेसिक फार्मूला को लिख लें, कहीं पे कॉपी में नोट डाउन कर लें या रट लें, ताकि आपको इजीली होगा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद है लेफ्ट एलिमेंट प्लस राइट एलिमेंट, मीन जब लेफ्ट और पहले रहेगा उसके बाद राइट आएगा, तो आपको दोनों को ऐड कर देना है। और कहाँ से काउंट करना है, लेफ्ट से काउंट करना है। दूसरा होगा राइट एलिमेंट रहेगा और लेफ्ट रहेगा, तो आपको राइट लेना है, और कहाँ से काउंट करना है, आपको राइट से करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जिसका स्टार्टिंग है वहाँ से हम लोग काउंट करना है। तो ये आपको याद रखने का ट्रिक्स नहीं है, जब सेम सेम माइनस माइनस रहे, सेम सेम डिजिट रहेगा तो क्या रहेगा, माइनस रहेगा, मीन्स सेम दोनों अलग अलग रहे डिजिट रहेगा तो प्लस माइनस कर क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो आपको ये फार्मूला आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग एक रॉन्ग होता है, बट माइनस माइनस प्लस होता है, बट यहाँ पे आपको सेम रहेगा, सेम सेम इजकल टू माइनस, यहाँ पे लिख रहे हैं सेम या सेम रहेगा तो क्या होगा, माइनस रहो, माइनस यूज होगा। सेम वो डिफरेंट रहेगा तो प्लस यूज रहेगा, सेम सेम बोले तो लेफ्ट, लेफ्ट तो क्या हो गया माइनस, लेफ्ट राइट क्या हो गया प्लस, और हमेशा जो काउंट होगा वो हमेशा जो स्टार्टिंग होगा उस एलिमेंट से होगा। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आपको मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको कि ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इससे आपको क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है, इस सीरीज के अकॉर्डिंग आपको मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स में बताया कि आपको 5-5 को आपको डिवाइड कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले से डिवाइड करके रखा है। तो डिवाइड करने से क्या होगा कि इजीली आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट, तो यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, तो यहाँ पे आप 18, 5, 10, 15, 16, 17, 18, तो यहाँ पे 8 हो गया। तो इजीली हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे 18 फ्रॉम द लेफ्ट, सॉरी 13 फ्रॉम द लेफ्ट, तो 13 फ्रॉम द लेफ्ट क्या होगा कि 5, 5, 10, यहाँ पे क्या होगा 10 हो गया, 11, 12, 13, तो 13 फ्रॉम द लेफ्ट क्या होगा, आई होगा। उसी के बेस पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 10th फ्रॉम द लेफ्ट, 10th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द 18 फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग लेफ्ट और लेफ्ट लेफ्ट ऑफ लेफ्ट आया था। तो जैसे आपको बताया था कि जो सेम कम्बिनेशन रहेगा लेफ्ट और लेफ्ट रहेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो इसके उसमें क्या करेंगे, 18th में आप क्या कीजिए, सिंपल 10 माइनस कर दीजिए, तो कितना हुआ 18। तो यहाँ पे लेफ्ट से 18 आप काउंट कीजिए, तो लेफ्ट से 18 करने के लिए क्या करना है पड़ेगा, यहाँ पे एक पार्ट, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, उसके बाद 20 है, तो ये 5-5 डिवाइड करने से आपको ईजिली हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल 5 दीजिए, 5 के बाद 3 8 होता है, 1, 2, 3, तो आपको बेसिकली पी इसका आंसर होगा। तो हाफ होप आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपको समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट के थ्रू आप बताएं, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पेज पांडे गुरुजी को आप लाइक कर सकते हैं। और मैं कुछ एक और क्वेश्चन इसी टाइप 3 पे ही बताऊंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन और आ सकते हैं। तो मैं बेसिकली आपको और बहुत सारे एक क्वेश्चन का सीरीज प्रोवाइड करूंगा अल्फाबेटिकल सीरीज से। तो ये बेसिकली आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था कि किस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ट्रिक क्या लगाना है। तो उसके बाद है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, मीन्स यहाँ पे 5 में एक 4 एक अलग तरीका है जिसको आपको इस ग्रुप से अलग है वो फाइंड आउट करना। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में आपको
बहुत सारे चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे डॉलर डॉलर और यहाँ पे सपोज कोई में भी अल्फा न्यूमरिक सीरीज नहीं दिया हुआ है, मीन्स स्पेशल करेक्टर नहीं है, तो आप यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हैं बेस ऑन द सीरीज से। तो आपको यहाँ पे बेस ऑन द सीरीज से आपको देखना है कि किसके अंदर पहले क्या आ रहा है। तो सबसे पहले डॉलर और ई हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो सर हम लोग देख रहे हैं कि डॉलर यहाँ पे है और ई यहाँ पे है और पी यहाँ पे है। तो इस सीरीज में क्या हम लोग देख रहे हैं, जो भी डिजिट है उसके बीच बीच में एक जो पहला डिजिट है वो सेकेंड डिजिट जो लास्ट डिजिट है उसमें कितना है, दो डिजिट का डिफरेंस है, और बीच में क्या है वो उसी का है लास्ट डिजिट है। उसी तरह एच एट आई देखते हैं, तो एच एट आई सेम वैसे आ रहा है कि दो एट और आई के कोई लेटर नहीं है, बट जो पहला डिजिट है उसके बीच में क्या है एक डिजिट है, तो उसी के चलते एट एट बी देखते हैं। तो एट एट यहाँ पे भी सेम है, एट एट बी है, तो बी और एट के बीच में एक डिजिट है। तो इसी तरह से ए भी डिजिट सेम है, जे आई देखते हैं, जे वन परसेंटेज, तो जे कहाँ पे है, जे कहाँ पे है, तो जे यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, जे वन वन यहाँ पे है, और परसेंटेज मीन सारे के बीच में यहाँ पे दो डिजिट है, यहाँ पे डिजिट है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा ये होगा, क्योंकि ये सीरीज को फॉलो नहीं करता। आप देखिए लास्ट भी वही फॉलो कर रहा होगा, मीन्स ये दोनों के बीच में सेम सीरीज में होगा और इसके बीच में वन डिजिट होगा, बट यहाँ पे पैटर्न अलग और आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं सिक्स कहाँ पे है, तो जो सिक्स बेसिकली यहाँ पे है, और सिक्स और नाइन और डी के बीच में एक लेटर है, तो पैटर्न वैसे ही फॉलो हो रहा है। इसमें भी यहाँ पे और इसके बीच में एक डिजिट आ रहा है, इसके बीच में एक डिजिट आ रहा है, इसके बीच में एक डिजिट आ रहा है, बट हम लोग देख रहे हैं जे वन परसेंटेज के बीच में, जे के बीच में, जे वन के बीच में दो डिजिट आ रहा है, और परसेंटेज के बीच में वन डिजिट आ रहा है। तो इस टाइप का पैटर्न आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस टाइप का पैटर्न को अलग करता है। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली सॉल्व कर देंगे। तो टाइप थ्री में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, और टाइप थ्री के बेस्ट मॉडल से आपको अल्फाबेटिकल सीरीज से मैं एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें सिर्फ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, मैं सारे क्वेश्चन को कवर कर दूंगा। इस वीडियो में से अब आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कोई भी इस अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक और टाइप का टाइप जब जो फोर एक आता है, जिसमें क्या होता है कि कुछ लेटर दे दिया रहेगा, उसको लेटर से आपको एक मीनिंगफुल वर्ड फाइंड आउट करना है, जो मीनिंगफुल वर्ड जिसे वर्ड का कोई मीनिंग निकलता है, जैसे कि ईट, ईट मीन्स क्या होता है खाना, ई ए टी इट मीन्स खाना, अगर तो टी ए ई दे दिया रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन का आपको सॉल्व करना है। मैं आपको क्वेश्चन का एक सेट बनाऊंगा, आप दो सेट अल्फाबेट न्यूमेरिकल अल्फाबेट सीरीज का दो सेट आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, जिसमें टोटल 15-15 क्वेश्चन रहेगा, या 10-10 क्वेश्चन हम लोग स्टार्टिंग में लेंगे। वो 10-10 क्वेश्चन जो रहेगा, 1 से 10 तक तो सारे क्वेश्चन अलग अलग रहेंगे, इस टाइप का पैटर्न नहीं रहेंगे। तो आपको उस क्वेश्चन को वीडियो देखेंगे तो आप सॉल्व करेंगे तो आप इजीली से सॉल्व कर लेंगे। तो आप जैसे कि आपको पता है कि रेलवे सीरीज ने ग्रुप डी और एएलपी और ग्रुप डी का और टेक्नीशियन का तीनों का क्वेश्चन जो सिलेबस है वो सेम है। तो आप दोनों को आप एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अल्फाबेटिकल सीरीज एक के लिए बैंक और पीओ में भी आता है, बैंक का कलर क्या पीओ या एसएससी में भी आता है। तो इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आपको एसएससी और बैंक का भी तो ये प्रिपरेशन हो जाएगा। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।